अरविंद केजरीवाल गुजरात में आप पार्टी ने मजबूत करवा आव्या हता, परंतु तेमनी मुलाकात में तेमने भांगरो वाट्यो हतो। तेमनी अमदावाद जनमेदनी संबोधती वखते केजरीवाले सरकारना भ्रष्टाचार सामे लड़ी शहीद थयेल आरटीआई एक्टिविस्ट्स ने श्रद्धांजलि आपी, जेमा हकीकत में अमित जेठवाने बात करता त्रण आरटीआर एक्टिविस्ट जीवित छे। दस वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते करते गुजरात के अंदर शहीद हो गए अमित जेठवा जी, भागु देवानी जी, जयसुख भंबानिया जी, मनीषा गोस्वामी, मैं तहे दिल से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। मैं जयसुख भंबानिया, मैं अभी जिंदा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने मेरे ऊपर एक श्रद्धांजलि दी, वो गलत बात है। वो आम पार्टी है, वो आम पार्टी वो गलत है। मैं जयसुख भंबानिया ये बोल रहा हूँ, आम पार्टी वो झूठी पार्टी है। मैं जिंदा हूँ तो मुझे श्रद्धांजलि दी, पूरा इंडिया को बताए कि मैं जिंदा हूँ। केजरीवाल ने जो मेरे को श्रद्धांजलि दी वो गलत है। मैं बोलता हूँ इसके ऊपर मैं पुलिस कंप्लेन भी करूँगा, और मेरे फैमिली को आघात लगा है, और केजरीवाल मुझे माफ़ी मांगे। मैं इसके ऊपर FIR करूँगा, कंप्लेन करूँगा, सब करूँगा। જેમાં દીવના એક્ટિવિટીઝ જયસુખ બાંભણિયાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે આ પાર્ટી ખોટી પાર્ટી છે। તેઓ જીવિત હોવા છતાં તેમણે મૃત જાહેર કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપી, તે બાબતે તેના પરિવારને આઘાત લાગ્યો છે, જ્યારે તેઓ કેજરીવાલ સામે દીવ પોલીસમાં FIR નોંધાવશે। અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા થયેલ ભૂલની માફી માંગવા પણ જયસુખ બાંભણિયાએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઇન, સોમનાથ।